नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। स्टेट यूनिवर्सिटी के बाहर हुई स्नैचिंग की वारदात का आरोपी एक घंटे के भीतर ही जींद बाईपास के नजदीक से पकड़ा गया। वह स्कूटी को छोड़कर खेत में भाग लिया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी से स्नैचिंग की वारदात का खुलासा हुआ है। दरअसल स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग और विजुअल आर्ट्स की एक महिला कर्मचारी टिटौली निवासी सीमा की स्कूटी यूनिवर्सिटी के बाहर सड़क से छीन ली गई थी। इस घटना की वीडियो चारों ओर तुरंत कर दी गई थी। इसी दौरान अपराध जांच शाखा द्वितीय की एक टीम गश्त पर थी। वीटी होते ही पुलिस टीम सक्रिय हो गई। इसी दौरान बताई गई स्कूटी पर एक युवक दिखाई दिया। पुलिस टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। जींद बाईपास के नजदीक वह स्कूटी को छोड़कर खेतों में भाग लिया, लेकिन पुलिस टीम ने उसे काबू कर लिया। आरोपी की पहचान सोनीपत के धनाना निवासी सौरभ के रूप में हुई है। पुलिस फिलहाल आरोपी से पूछताछ कर रही है। रोहतक से हमारे संवाददाता रिंकू परमार की रिपोर्ट। आज लगभग 2:30 बजे के आसपास एक हमारे इलाका सुपवा यूनिवर्सिटी के पास एक लेडी के साथ जो कि स्कूटी पे आ रही थी, एक वारदात हुई जिसने क्रिमिनल ने उसकी स्कूटी पे लात मार के और उसको गिरा दिया, और जिससे उस लेडी के चोट भी आई और उससे स्कूटी छीन के भाग गया। तो पिछले कुछ समय से हमारे इस तरह की वारदातें नोटिस में आ रही थी, खास करके महिलाओं के साथ। जो महिला स्कूटी पे आती थी उसको ऐसे टक्कर मार के या लात मार के रोका जा रहा था और उससे स्कूटी छीनी जा रही थी, जो कि हमने हमारे एसपी साहब ने काफ़ी समय से इसमें हमारे कुछ टीमें लगा रखी थी, सिविल ड्रेस में रहती थी और ऐसी एक्टिविटी होते ही उनके पीछे लगती थी। तो आज हमारी 2-3 टीमें लगी हुई थी ऑलरेडी। जैसे ही वारदात हुई तो हमारे SHO अर्बन स्टेट ने इसकी वीटी कराई और स्कूटी का नंबर आ गया, कलर आ गया। तो हमारी CI2 की टीम उस समय इसी तरह की वारदातों की ट्रेस आउट के लिए फील्ड में लगी हुई थी, और जैसे ही इसकी सूचना मिली वो एक्टिव हो गए और उन्होंने प्लेस ऑफ अकरेंस की तरफ दौड़े और उन्होंने एक सस्पेक्टेड स्कूटी दूर से नज़र आई, उसका पीछा किया और पीछा काफ़ी स्कूटी वाला रिस्क लेके चला रहा था, उसका पीछा करते हुए जींद बाईपास की तरफ भाग गया और हमारी टीम ने उसका पीछा किया। वो स्कूटी छोड़ के कच्चे रस्तों में भी भाग गया है, लेकिन उसको भागते हुए को काबू किया और उससे फिर पूछताछ अभी हमने अरेस्ट किया है उसको। ये बंदा सौरभ है, गांव धनाना का है, जो लाखन माजरा के पास है, और इससे हम पूछताछ कर रहे हैं। और अभी इसने 4-5 वारदातों का खुलासा किया है, जो इस तरह की इसने अपने रोहतक शहर में खास करके पहले जो वारदात हुई है वो वर्कआउट हुई है। स्कूटी का क्या करता था? स्कूटी ग्रे कलर की थी और है, वो मौके पे हमने रिकवर हो गई है स्कूटी जो छीन के भाग गया था। जनरली ये महिला को टारगेट बना रहा था, पीछे एक स्टूडेंट लेडी बच्ची थी जो कि ट्यूशन पढ़ के आ रही थी, वो उस वारदात का भी खुलासा हुआ है। उसकी भी स्कूटी इसी तरह उसने अपने आगे खड़ा होके स्कूटी को लात मारी, स्कूटी से वो गिरी और स्कूटी को छाड़ के छीन के भाग गया। अब तक तो अभी इस तरह की वारदात में अकेला ही मिला है और इसने अपने खुद कन्फेशन किया है कि भी ये सब वारदातें मैंने खुद की हैं। ये इसका मेन टास्क ये रहता था, अभी स्कूटी में कुछ न कुछ पैसे मिलेंगे और स्कूटी तो है ही, तो पैसे के उसमें और ये वारदातें करता है। हम कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे, इसका रिमांड अप्लाई करेंगे और इसे पूछताछ की जा रही है और सख्ती से पूछताछ करेंगे, और भी इसमें हो सकता है और टेस्ट आउट करेंगे। अभी तक हमने अभी पूछताछ जारी है, एकदम इस समय पूरी चीज़ें नहीं कह पाऊंगा कि देखो इंटरोगेशन के बाद क्या कुछ चीज़ सामने आती है, वो सब आपको बता दी जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।